फिर से बता दीजिए क्या क्या करना है, हम भूल गए। हम खाना बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हम भी आपको देख रहे हैं। एक्चुअली क्या, आज का मौसम बिल्कुल एकदम हो गया है चेंज। सुबह जब मैं ऑफिस से आया था उस वक्त था बिल्कुल, मतलब कोहरा था उधर नहर साइड में, लेकिन रास्ते में पूरा साफ था, आसमान में बिल्कुल तारे वगैरह सब कुछ दिखाई देते, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा मौसम आज बहुत अच्छी धूप रहेगी। लेकिन अभी मौसम हो गया चेंज। आदि वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग के, पहले शुरुआत करते हैं मौसम के अपडेट से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मम्मी लोग सोए हुए हैं ठंड के मारे अंदर, तो मैं देखता हूँ उनके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो आप बाहर देखें ना, बाहर हो रही है बारिश, ये पूरे नीचे बारिश हो रही है। सुबह ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन अभी अभी देखिए पूरे जज्बात बदल गए, मौसम सब कुछ बदल गया, ऐसा सीन हो रहा है। सामने बिल्कुल देखो पूरे बादल बादल छाए हुए आसमान में, और हुई बहुत तगड़ी बारिश और हो गया ठंड बहुत। मम्मी पापा लोग हो गए बहुत ज़्यादा ठंडा, तो उनके लिए कर रहा हूँ मैं आग का इंतजाम। हम लोग लेके आए थे कंडे, थोड़ी एक दुकान से हम लोग लेके आए थे, ये लकड़ी के मतलब जो बचे रहते हैं ना टुकड़े, ऐसे कुछ टुकड़े हम लोग लेके आए थे। तो अभी मुझे एक पेट्रोल लेके आना पड़ेगा ताकि ये जल्दी जल्दी जल जाए, लेकिन आज मेरे पास पेट्रोल नहीं है। तो आज हम लोग यूज करेंगे ये पॉलिथीन और ये माचिस, इसे जलाएंगे। तो देखिए मिशन हुआ सक्सेसफुल, ये पापा तो बैठ भी गए हैं आग सेकने के लिए फर्स्ट क्लास। मम्मी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा अभी ऐसे कोयले हो जाएंगे तो हम अंदर लेके आएंगे, अभी क्योंकि धुआं हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? आग ला रखी है मैंने आपके लिए, बाहर कंडे आग ला रखे हैं, अभी जैसे हो जाएंगे ना तब ले आऊँगा बाहर जाने। मम्मी को सिर्फ यहाँ बालकनी से जाने की हिम्मत नहीं हो रही, देख रहे हो आप यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैंने जलाई हुई है। ये पापा सही गए, मम्मी कह रही नहीं बाहर में निकलूंगी नहीं, ठंडा बहुत है। तो जब सबसे ज़्यादा टफ टास्क है ठंड में वो है नहाना, लेकिन मैं रोज़ नहाता हूँ ऐसा नहीं है, मतलब मेरा रोज़ का नियम है। और आज सुबह को जरूर नहाना था, आज मेरा फास्ट था सैटरडे का, लेकिन मैं दिन के 12 बजे उठा तो मैंने कहा आधा दिन तो ऐसे ही सोते होते गुजर गया, तो अब मैं उठूँगा फिर पूजा करूँगा, 1 बज जाएंगे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं अभी पहले आज फास्ट को ड्रॉप करते हैं, क्योंकि दिन ऐसे ही हो गया। तो अभी क्या है कि अभी नहा के आ गया बिल्कुल ठंडे में, हम लोग पहाड़ के लोग हैं तो हम लोग को ऐसे नहाने में जैसे परहेज तो नहीं होता, लेकिन क्या है कि अगर बाहर निकलना है तो तब थोड़ा ठंडा लगता है, वैसे ऐसा कोई ज़्यादा ठंडा नहीं है। पापा ले आए मम्मी के लिए कोयले बना के बिल्कुल अंदर ही, यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, ये कैसे मैं बाहर निकलूंगी नहीं, तो कोयले अंदर ही आ गए, कंडे पूरे जल गए, तो धुआं बिल्कुल ख़त्म हो गया, धुआं ख़त्म हो गया तो आराम से पापा सेक रहे हैं आग। और देखो निहारिका मिल रहे बना के लिए नाश्ता, ये लाई है चिल्ला, और साथ साथ में ये चिल्ला है, साथ साथ में है इसके सांभर छोटा, बहुत कम सांभर बनाया है निहारिका ने मिले। तो मैं करता हूँ नाश्ता, फिर देखते हैं शेड्यूल आज क्या है कि निहारिका को गाड़ी चलाने सिखाना लाया था दोबारा, देखते हैं मौसम सही हो तो उसे लेके जाऊँगा, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं खुद घर में। मेरे को मिला है पहाड़ी खाना, और आज सैटरडे की बनाई है निहारिका ने आपकी रसोई में ये घेंत की दाल विद गडरी, देखो गडरी डली हुई है, ऐसा कुछ पहाड़ी खाना मिला हुआ है। सब लोग कर रहे हैं पहाड़ी फूड एंजॉय। अब तो आपको पहाड़ों की याद नहीं आ रही होगी ना पापा, ऐसा खाना खा के? हाँ मम्मी कहती है पहाड़ों पर ऐसा खाना यहाँ कहाँ बनता है, लेकिन निहारिका बिल्कुल पहाड़ी खाना खिला खिला के मम्मी पापा लोग की सेवा कर रही है पूरी भरपूर। मम्मी के लिए चीला चीला भी बनाया हुआ, देखो ये मम्मी के लिए स्पेशल चीला बना हुआ है, हमको नहीं दिया गया है जो। तो सुबह से थी अभी तक बारिश, हम लोग का प्लान था सुबह मतलब दिन में 1 बजे करीब हम लोग जा रहे थे निहारिका को मतलब वो कार सिखाने के लिए, हम लोग आज दिन में 1 बजे जाने का तय था 1 या 2 बजे तक, लेकिन बारिश रुकी नहीं, अब जाके बारिश रुकी, अभी बजे शाम के 4:30। तो निहारिका बोली आप मेरी बार बार बेइज्जती करते हो ऐसे दिखा दिखा के मेरे वीडियो को, तो हमने तय किया हुआ है कि आज ये लास्ट वाला वीडियो रहेगा तीसरे दिन मतलब इसका ड्राइविंग का, मैं उसमें थोड़ा बहुत दिखाऊँगा मैं इसे गियर चेंज करना, उसके बाद क्या होगा कि जिस ये परफेक्ट रोड पर जाने लग जाएगी ना तो उस दिन हम वीडियो दिखाएंगे इसका। अब तब तक ये अंडर ट्रेनिंग में रहेगी जब तक, चाहे 1 महीना हो जाए चाहे इसे 1.5 महीना लगे। तो साथ साथ में आज हमने खरीदनी है सब्जी भी, तो आप देख लेना कि सब्जी कहाँ से खरीदते हैं, हम लोग सब्जी खरीदने भी जाएंगे, तो हमारा जो काम है अभी, और थोड़ा आटा वगैरह भी लेना है तो आटा लेने भी जाना है सफेदाबाद। तो पहले अभी क्या होगा, आज बारिश हुई है तो ग्राउंड गीला रहेगा,
तो बच्चे नहीं खेलने आए होंगे, तो आज मतलब हम लोग को ग्राउंड शायद मे भी मिला होगा पूरा फ्री। अगर वो ग्राउंड फ्री नहीं मिला तो हम डायरेक्ट जाएंगे सीधे सब्जी खरीदने, फिर हम गाड़ी चलाना नहीं जाएंगे। अगर ग्राउंड खाली मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो सब्जी खरीदने, अगर मिलेगा तो इसको जायज़ करना। वैसे मे भी पॉसिबल है कि आज वो ग्राउंड खाली मिलेगा क्योंकि वहाँ पानी भरा था, वो वाला खाली है लेकिन वो तो प्रॉपर्टी बंद है ना चारों ओर से, इसलिए। वरना यहाँ पर ये फील्ड बहुत बड़ा था लेकिन चारों ओर दीवार लगी हुई है, बगल में वैसे कॉलेज भी है, लेकिन फायदा नहीं ना हमारे हमारे काम का ही ना हमारे फायदे का दीवार। तो तुम्हें कैसा लग रहा है ड्राइविंग सीख के, नींद आ रही नहीं आ रही तुमको? आ रही है। नींद में तुम्हें नहीं लग रहा कि मैंने आज कुछ अलग टाइप के अचीवमेंट कर कर की है? आज बहुत ठंडा हो रहा है लेकिन। तो एक्चुअली जाना अपने मतलब पूरे परिवार में सबसे पहले गाड़ी सीखने वाली इंसान है निहारी का है ना? पता नहीं। हाँ, तो ये सबसे पहले सीखेगी अपनी बहनों में, तो सबसे पहले सीखोगी ना। हाँ। तो आई दीदी को भी नहीं आती, तो आई छोटी बहन को भी नहीं आती है। तो निहारी का सबसे पहले सीखेगी मतलब कार चलाना। ये मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, ठंडा लेकिन ना निहारिका देखो सुसार पार के रखा हुआ है, निहारिका ने इतना ठंडा हो रहा है ना इसको, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा। आज मतलब बहुत दिनों बाद ब्लू ब्लू स्काई देखने को मिला है क्योंकि बारिश हुई है बहुत अच्छी। तो ये है कुछ स्टोरी हम लोग की ज़िंदगी की, साथ साथ में आप लोग हमारे साथी इस ज़िंदगी के। तो बस हम देखते हैं चलते हैं, ग्राउंड में खाली मिलता है तो वहाँ चलेंगे गाड़ी। एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या करना है, हम भूल गए। हरकतें ऐसी हैं इसकी। चलो क्लच कौन सा है देखो, वो ए बी सी एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, जो हमारा लेफ्ट वाले पाँव है उससे सिर्फ दबेगा क्लच, और हमारा जो राइट वाला पाँव है उसके दो फंक्शन है, उसको एक्सीलेटर से भी दबाना है और ब्रेक भी दबाना है। चलो डालो फर्स्ट गियर पहले तुम। हाँ कहाँ चाबी घुमा रही थी तुम? हाँ दुबारा दुबारा रहा तो सीधा था, कान से कान घुमाते हैं, फिर क्लच छोड़ दिया एकदम से। ये हैंड ब्रेक कौन नीचे करेगा? तो आप ही ने कहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। हाँ तो हैंड ब्रेक क्या करना है पहले? गाड़ी स्टार्ट करो क्लच दबा के, फर्स्ट गियर लगा हुआ है। हाँ अब हैंड ब्रेक नीचे करो, यस। अब धीरे धीरे छोड़ो क्लच, हल्के 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 छोड़ो 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 हल्के हल्के आराम से आराम आराम से आराम आराम से। हाँ बस ऐसे धीरे 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 बस हो गया ठीक है। अब हाँ उधर, अब इधर की ओर तो देखो, उधर की आगे की ओर देखो सीधे, इधर की ओर देखो कीचड़ इधर है। यहाँ पे देखो ग्राउंड में ना कीचड़ हो गया बारिश होने की वजह से। परसों दिन हम पहली बार आए थे तो देखने के लिए उस दिन पूरा सूखा हुआ था, उस दिन बच्चे बहुत कम खेले थे, लेकिन आज कीचड़ कुछ ज़्यादा है तो गाड़ी फंस भी सकती है, नहीं आएगा क्या कहीं गलत डाल देगी तो हम नहीं डालेंगे गलत हैं, कोशिश करेंगे कि गलत ना डालें। चलो चलो फिर अभी ऐसे कुछ ट्रैक बनाते हैं। आज तुमने गियर भी चेंज करना है ठीक है, आज गियर चेंज करना सीखना है यहाँ पे, वहाँ पर वाली रोड पे फर्स्ट गियर की ऊपर सेकंड गियर डालोगी उधर वाली रोड पे। तो बस हमको सिर्फ आज यहाँ पे गियर की टेंग लेनी है, गियर इसे चेंज करेगी एक्सीलेटर दे दे के तो अपना काम बन जाएगा। क्या है क्लच दबा कर ब्रेक मारने और तुम क्या करते? एक्सीलेटर दबा कर क्लच मार ब्रेक मार दिया। हाँ मेरे पाँव में लगी है चोट उसकी वजह से, कल भी लगी थी और आज भी लगी। अब याद रखेंगे जब ब्रेक मारना है तो पहले पहले क्लच क्लच दबाना है, फिर उसके बाद में ब्रेक मारना है। चलो स्टार्ट करो गाड़ी वापस। हे भगवान सामने अभी तक कुछ भी नहीं था, अभी भी बहुत सारे ट्रक आ गए इधर में, खाली मैदान में ट्रक खड़े कर दिए हैं, तो हमारा धीरे धीरे स्पेस धीरे धीरे कम होते जा रहा है गाड़ी चलाने का। निहारिका बिल्कुल चलाने लग गई है देखो, थोड़ा बहुत परफेक्ट है, तो मतलब क्या है अभी गियर चेंज करना सीख लिया, थर्ड गियर पर भी गाड़ी चला रही है, तो अभी क्या है इसे ब्रेक एक मारना थोड़ा बहुत सीखना आ गया है, तो अभी है कि हम लोग रोड पे जा सकते हैं थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिस करेगी अभी ब्रेक ब्रेक की यहाँ पर एक्सीलेटर के यहाँ ब्रेक कैसे दबाना है, तो ऐसा इसको थोड़ा करना पड़ेगा। तो अभी ये चलाने लग गई है, तो आराम से एक ट्रैक पर जो मैंने बोला था उसी ट्रैक पर गाड़ी चला रही है ये, मैंने उसे बोला है कि उस ईंट के बगल से निकालना है, तो देखा उसी ईंट के बगल से निकालेगी ये, यहाँ से यूँ गाड़ी ड्रिफ्ट भी हो रही साथ साथ क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया और हमारे टायर ने बहुत ज़्यादा रोल कर दिया है। निहारिका और जोश में आते जा रही है और एक्सीलेटर दबाते जा रही है, भूल जा रही है कि वो भी करना है। देखो अभी कहीं तेतर गाड़ी चला रही है, हाँ वो मुझे मानता था आएगा ट्रक, मैंने वो ब्रेक दबाए थे। हाँ
ब्रेक दबाया है तेरे ने? हाँ। अच्छा कभी ऐसे से बोली थी। ठीक है चलो एक बार ब्रेक मार के दिखा दो इनको भी जरा दर्शकों को। ये मारे नहीं आगे ना ब्रेक और ये मारे ब्रेक और उसके बाद छोड़ दिया। ये नीचे क्यों देखती हो तुम ब्रेक मारते हो? तुम्हारे पास नीचे कहाँ देखा? अभी तो नहीं देखा, शुरू शुरू में देख रहे थे। चलो आराम से चलो, गाड़ी तेज मत चलाओ, तेज मत चलाओ ज़्यादा। हाँ ज़्यादा तेज नहीं चलानी है। ठीक है अब रोक लो, आज तो ट्रेन खत्म। ठीक क्लच दबा के पूरी गाड़ी रोको, क्लच दबा के पूरी गाड़ी रोको, मतलब दिखा रही क्लच और क्या ब्रेक? नहीं गाड़ी रोकने का मतलब ब्रेक ही होता है। हाँ हाँ क्लच दबा के ताकि झटका ना पड़े। हाँ ये गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए थी। ले लिए आटा हमने ले लिया है। ये बाहर हमारी भी सब्जी की दुकान यहाँ पे लगती है। देखिए आप मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बिल्कुल आसमान में ये बादल छाए हुए हैं। तो इधर बाहर लगती है मंडी, यहाँ मिलती है सब्जी, सस्ती मिलती है। हमारे वहाँ पर भी है सब्जी, लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर रेट का करीब, आपके यहाँ अगर 60 रुपये की जो चीज़ है तो वो उसके वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो होगी वो होगी वहाँ पर 90 रुपये की। तो मतलब इतना फ़र्क पड़ जाता है। टमाटर हमने परसों वहाँ से खरीदे थे तो टमाटर वहाँ 35 रुपये किलो थे और यहाँ टमाटर 15 रुपये किलो मिल रहे हैं। और यहाँ सब्जी भी बिल्कुल एकदम ताज़ी आती है और एकदम से एकदम मटेरियल निकल भी आता है क्योंकि मंडी है ना यहाँ पे। तो ये पूरा पूरा आप देखिए, ये है फैजाबाद हाईवे, ये पूरा आस पास में ये फैजाबाद हाईवे है। तो अभी निहारिका गई है अपने लिए चिप्स लेने के लिए और मैं कर रहा हूँ चॉकलेट खा रहा हूँ डेयरी मिल्क। देखो दादा दादी क्या कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं वीडियो कॉल अपने नाती नातने को। कहाँ है वो दोनों शैतान? हेलो चाचू आ गए, चाचू ये देखो चाचू। अनुकुति सो गई हो इतनी जल्दी? अनुकुति अनुकुति, अरे आगे भाई दांत कहाँ चले गए तुम्हारे? आगे भाई दांत आगे भाई थी तुआ लेके चला गया तुआ? क्या जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलो, जय माता दी। ये पैरट मेरे को दे दो, ये पैरट मेरा है, मेरे पास एलिफेंट है तुम्हारे लिए। एलिफेंट दिखाया था मैंने तुमको? दिखा रहा हूँ, आगे देखो ये हाँ। तो अब देखो चाची तुमसे बात कर रही, देखो चाची बात कर रही, देखो चाची तो लाई थी एलिफेंट तुम्हारे लिए। हाँ मुंह तेरे को करे उजाला रहेगा ना तुम्हारे चेहरे पे। सो गाइस ये था आज का ब्लॉग, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा। तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।